बाइडेन का बार बार सऊदी जाना नहीं आया काम। आखिरकार सऊदी ने काट दी तेल की धार। ओपेक प्लस देशों ने आनाकानी में लिया एक बड़ा फैसला। दुनिया भर के तेल सप्लाई में होगी कटौती, 20 लाख बैरल की कटौती। मगर क्या है ये ओपेक प्लस देश और क्यों लिया गया ये फैसला, किसे होगा मुनाफा, किसे होगा नुकसान? हेलो, मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो कच्चे तेल की सप्लाई में कटौती दुनिया को एक बार फिर हिलाने वाली है, मगर इस पर बाद में बात करते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि ओपेक क्या है और कौन से देश हैं इसका हिस्सा, फिर उस फैसले पर आएंगे जिससे दुनिया को एक्चुअली झटका लगने वाला है। तो जी, ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि OPEC। नाम से जाहिर होता है कि इसमें वही देश होंगे जो तेल के उत्पादक होंगे। ओपेक का गठन 14 सितंबर 1960 में हुआ था। ओपेक प्लस में कुल 24 सदस्य हैं, जिनमें सऊदी अरब समेत 13 ओपेक देश हैं, जबकि 11 अन्य गैर ओपेक देश भी शामिल हैं। इसे 5 देशों ने बगदाद में शुरू किया था, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। ओपेक प्लस में वो देश हैं जो तेल एक्सपोर्ट तो नहीं करते, लेकिन वो तेल के दाम स्टेबल रखने में मदद करते हैं या फिर इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं। ओपेक का काम है पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतें लगाना। वो कैसे? मेंबर कंट्रीज के बीच पेट्रोलियम पॉलिसीज को ठीक तरीके से कोऑर्डिनेट करके और लॉबिंग करके। तो अब आ जाते हैं उस फैसले पर जिसने दुनिया भर में हाहाकार मचा कर रख दिया है। हम सबको पता है कि रूस यूक्रेन की जंग के चक्कर में कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। दरअसल ओपेक प्लस देशों ने ऐलान कर दिया है कि वो हर रोज तेल के उत्पादन में 20 लाख बैरल की कटौती करेंगे। ओपेक प्लस के इस फैसले से दुनिया भर में और खास करके अमेरिका में हलचल बढ़ गई है। बाइडेन नहीं चाह रहे थे कि तेल की सप्लाई कम हो या फिर रेट बढ़े, इसीलिए वो अभी सऊदी अरब भी गए थे, जहां उन्होंने क्राउन प्रिंस से बात की थी और तेल सप्लाई में कटौती ना करने की गुजारिश की थी। क्लियरली डिडंट वर्क आउट, उससे ज्यादा कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अमेरिका ने इस फैसले को निराशाजनक बताया है और कहा है कि ये दूरदर्शी फैसला नहीं है। अब इतने बार बात करने के बावजूद जो ओपेक प्लस देशों ने फैसला किया है कि रोज का 20 लाख बैरल तेल काटेंगे, उस चक्कर में अमेरिका और सऊदी के रिश्तों में खटास भी आ सकती है। आप सोच रहे होंगे कि ओपेक प्लस देशों का फैसला है तो सिर्फ सऊदी को ही क्यों भला बुरा कहेगा अमेरिका? वो इसलिए क्योंकि सऊदी सभी ओपेक देशों में आर्ग्यूएबली सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, ताकतवर है, और तय हो गया है कि वो बाइडेन की बात सुनने के मूड में कतई नहीं है। आपको बता दी चलूं कि ओपेक में रशिया भी एक देश है, तो ऐसा भी सवाल बनता है कि क्या इसमें रशिया का कोई हाथ है? फिलहाल पता नहीं है कि इस कटौती से तेल के दाम कितने बढ़ेंगे, मगर ये सोचें कि रोज दुनिया में 100 मिलियन बैरल तेल की खपत होती है, उसमें 20 लाख बैरल तेल की कटौती का असर कंसिडरेबली नजर आने वाला है। मगर सवाल ये है कि ऐसा फैसला आखिर लिया क्यों गया? जानकारों का कहना है कि सऊदी चाहता है कि तेल के दाम बढ़ें, तो जब आप सप्लाई कट करेंगे और डिमांड उतनी ही रहेगी या फिर ज़्यादा रहेगी बिकॉज विंटर्स, तब तो प्राइस बढ़ेंगे ही। अब अमेरिका, जहां वैसे ही तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, भारत में तो फिर भी ईरान और रशिया से हम अपनी तेल की ज़रूरतें पूरी कर ले रहे हैं, मगर अमेरिका के लिए ये दिक्कत की बात है। अमेरिका के सऊदी में दौरे को भी उसका सऊदी के सामने झुकने का संदेश दे रहा था, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा ही सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पत्रकार खशोज की हत्या के लिए दोषी ठहराया है। ये दौरे उससे एकदम यू टर्न का संदेश देते हैं। इस फैसले का रशिया पर अच्छा असर पड़ेगा और भारत पर थोड़ा बुरा असर पड़ेगा। वो कैसे, बताते हैं। अब अमेरिका ने बहुत कोशिश की रशिया पर सैंक्शंस लगाने की, प्रतिबंध लगाने की, ताकि उनका तेल ना बिके, सप्लाई ना रहे, मगर फिर भी रशिया भारत और पाकिस्तान को कम दामों में ज़्यादा ज़्यादा तेल बेच रहा है। देखा देखी करके और भी देश रशिया से कम दामों में तेल खरीद रहे हैं। दरअसल यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों की वजह से आगे चलकर हो सकता है कि रूस को अपना तेल उत्पादन घटाना पड़ जाए, और इसलिए रूस इससे होने वाले नुकसान की भरपाई तेल के बढ़े हुए दामों से करने की फिराक में है। अब भारत पर आ जाते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम बढ़ेंगे तो भारत पर इसका असर देखने को मिलेगा। सर्दियों में वैसे ही देश में तेल की खपत बढ़ जाती है, तो अगर एक तरफ सऊदी ने तेल के दाम बढ़ा दिए और दूसरी तरफ रशिया ने भी दाम बढ़ा दिया, तब भारत के लिए स्थिति काफी गंभीर बन सकती है। तो देखा जाए तो सभी तेल के दाम बढ़ाने में लगे हुए हैं और असर सब पर पड़ने वाला है। हाँ, मगर ये अमेरिका के लिए चिंता का विषय ज्यादा है,
कि लाख कहने पर भी अगर सऊदी ने उन्हें अनसुना किया तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी करीन जॉन प्योरी ने यहाँ तक कह दिया है कि ओपेक देशों ने साफ तौर पर रशिया को चुना है। साथ ही अमेरिका में बढ़ती महंगाई दर को बाइडेन को कम करना है नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन से पहले। बस अब तो तेल की धार देखनी बाकी है, कैसे अमेरिका इन सभी चीज़ों को एक साथ टैकल करेगा। असर तो सब पर पड़ेगा, मगर किसी पर ज़्यादा तो किसी पर कम। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।